जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं सचिन आर्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द प्राइड ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो चैनल है द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ होता है भारत का गौरव, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस चैनल को बनाया गया है। और ये उद्देश्य क्या है, ये विजन क्या है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता ही चल ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं आप सभी के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, आप कोई भी वर्ग से, अगर आप इंडिया में रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, इस वीडियो में वो दिखाने की कोशिश की जा रही है जो आज के डेट में हमारे देश में हो रहा है। और ये वीडियो आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, ये वीडियो को देखने पे आपको पता चलेगा। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए वो वीडियो देखने की, समझने की। अब आते हैं बात असली मुद्दे की करते हैं कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। 1947 में देश को आजादी मिली, देश आजाद हुआ और राजतंत्र से इस देश को लोकतंत्र या गणतंत्र घोषित किया गया, बनाया गया, इस सोच के साथ कि देश में जो पावर है वो जनता यानी पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। अगर देश हित का जो डिसीजन है वो देशवासियों के हाथ में होना चाहिए। सीधा सर से होता है कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। इसी सोच के साथ देश को राजतंत्र से गणतंत्र घोषित किया गया। राजतंत्र और गणतंत्र में, लोकतंत्र में आप लोग को अंतर समझ में आया ही होगा, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। राजतंत्र जब था, यानी जब राजा महाराजा या सब ये सब लोग रहा करते थे, तो सिस्टम ये था कि जनता यही रहा करती थी, लेकिन जो रूल करने वाला शासक होता था, राजा होता था, वो अपने हिसाब से नियम कानून और सिस्टम को चलाया करता था, जिसके वजह से तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, युद्ध और बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन बाद में सिस्टम बनाने वालों ने क्या किया कि कुछ ऐसा सिस्टम डिजाइन किया कि उन्होंने ये सोचा कि अगर एक आदमी के भरोसे नहीं, ये देश अगर पूरे देशवासियों के भरोसे छोड़ा जाए, इसका रूलिंग, इसका सिस्टम, हर चीजें, तो ये देश कभी भी परेशानी और मुसीबतों का सामना नहीं करेगा, सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सोच सके देश में इस आजादी के बाद एक सिस्टम को डिजाइन किया गया। मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे सिस्टम होता है, बहुत पेचीदा नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, समझिएगा। ये पॉइंट ये है, यहां पे है पब्लिक, ये पब्लिक है, ये पॉइंट बी है, इसको छोड़ते, ये है गवर्नमेंट पॉइंट बी पे। यहां पे गवर्नमेंट है, यहां पे बीच में सिस्टम, यहां पे बीच में सिस्टम, यहां पे पब्लिक है, यहां गवर्नमेंट है, इसके बीच में एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम में सभी लोग आते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोगों को छोड़कर इस सिस्टम में इन्हीं लोगों से के बीच से उठ के आए हुए लोग इसी में रहते हैं। इस सिस्टम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, डीएम, कलेक्टर सभी लोग इसमें आते हैं। इसमें हर एक तरह की चीजें होती हैं, कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, आयोग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। करती थी, राजा को टैक्स देती थी, कर देती थी, लगान देती थी, और राजा उनके लिए जो कुछ भी होता था रूल पॉलिसी लागू करते थे उन्हें अब आगे बढ़ाने में देश की जनता के लिए। लेकिन सिस्टम जब बदला तो सेम सिस्टम था, जनता टैक्स देगी, कर देगी इन्हें, इस उम्मीद से कि ये एक सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम हमारे लिए होगा, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, हर एक चीजों को अच्छा करके देगी, जिससे ये होगा कि जो जनजीवन है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जब आजादी मिली तो देश में कुछ चीजें फिर अच्छे तरीके से चलने लगी, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी होने लगी। लेकिन यहाँ पे हमसे, जो आप वीडियो देख रहे हैं, हम और आप और ये मिडिल क्लास से आम आदमी, जो जनता देश की कही जाती है, इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और आज भी वही गलती हो रही है। वही गलती की चर्चा करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया हूं, तो आप समझने की उसकी गलती क्या हो रही थी, और उसी गलती की वजह से इस देश में, इतने सारे क्राइम, इतने सारे करप्शन, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी प्रॉब्लम, भुखमरी, गरीबी, एवरीथिंग, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, सफाई को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, पानी को लेकर, करप्शन को लेकर, हर तरह की समस्याएं एक कॉमन मिस्टेक करने की वजह से हुई।
और वो कॉमन मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक आप और हम हमेशा करते आ रहे हैं। हुआ यूं कि पब्लिक ने टैक्स दिया इनको और कहा कि हमारे लिए रोड बनाइए, हमारे लिए सड़कें बनाइए, हमारे लिए अस्पताल बनाइए, हमारे लिए रूल बनाइए, पॉलिसी बनाइए, कानून बनाइए। अच्छी बात थी। मान लीजिए इस पब्लिक ने गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया टैक्स दिया और कहा हमारे लिए रोड बनाइए। अब इस गवर्नमेंट में जो बैठे चंद लोग थे, इन्होंने क्या कहा, 1 करोड़ में से 25 लाख रुपया खुद रख लिया, 25 लाख रुपया सिस्टम में जो बैठे हुए लोग रखे और 50 लाख रुपए का रोड बना दिया। 25 लाख रुपया खुद रख ली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लोगों ने, 25 लाख रुपया सिस्टम में आके बच के रह गया, 50 लाख रुपए का रोड बना। अब आप ही बताइए, जब बजट है 1 करोड़ का और उसमें आधा पैसा लगा के, आधे से भी कम पैसा लगा के जब किसी चीज को बनाया जाएगा तो वो खराब होगा कि नहीं, कितना दिन चलेगा, कितना टिकाऊ होगा। और इस तरह से हर सेक्टर में, हर सिस्टम में, हर जगह पर, चाहे वो कोई प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर सेक्टर में वहां पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया गया, समझ रहे हैं। जिसके वजह से समस्या क्या हुई कि आज की डेट में आप समस्या देश की देख ही रहे हैं। आज आप अपने ही देश में लाठी खाने के लिए विवश हैं। अगर आप अपनी कमियों के लिए, परेशानियों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको वह लाठी से पीटा जाएगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा सा रूल बनाती है और भोली भाली जनता समझ नहीं पाती। करती क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहती है कि पब्लिक की हमें जान की फिक्र है, इसलिए आप क्या करिए, जब गाड़ी चलाइए तो हेलमेट लगाइए, कहती है गवर्नमेंट। उसके लिए बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस को नियुक्ति देती है, रोड पे लगते हैं टैक्स और चालान भी काटा जाता है। कहती है गवर्नमेंट कि आप हेलमेट लगाइए ताकि आपकी जान बचेगी। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, गुटखा खा रहे हैं, आपको कैंसर हो रहा है, कैंसर से हजारों लोग मर रहे हैं, तब आपकी जान जा रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। शराब पी रहे हैं, शराब से मर जा रहे हैं, या फिर शराब पी कर नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो मर जा रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी से युवा मर रहा है, अच्छी आय और अच्छी आमदनी नहीं होने पर इससे किसान मर रहा है, तो सरकार कुछ नहीं बोल रही और सरकार कहती है कि हेलमेट लगाइए आपकी जान बच जाएगी। ये सरकार का सिस्टम है। जब भी हम और आप कुछ अच्छा करने की, कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो देश में बड़े पैमाने पर जब बात होती है तो यहाँ पर बैठे लोगों ने और यहाँ पर बैठे लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा जाल बुन देते हैं, कुछ ऐसी काम, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके वजह से आपका असली मुद्दा आपके दिमाग से हट जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात और है कि वीडियो किस पर्पज से बनाया गया, इसको समझाना बहुत जरूरी है और समझते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताया था कि जो द प्राइड ऑफ इंडिया हमारा चैनल है, ये एक चैनल नहीं है, एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सोच। दोस्तों चाहते हैं, सपने सभी के पास होते हैं, लेकिन विजन किसी किसी के पास होता है, मकसद किसी किसी के पास होता है, और वो मकसद, वो विजन उन्हें उस स्तर पर ले जाता है जिस स्तर पर जाके वो द प्राइड ऑफ इंडिया बन के दिखाते हैं। और इस तरह मैं आपको बता दूं, पहले से भी इस देश में लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी चीजों को लाया जिसके वजह से आज हर एक भारतीय, इवन पूरा दुनिया उनका सम्मान करती है, जैसे कलाम सर हो गए, विवेकानंद हो गए और सब लोग, जिन्हें आज प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो द प्राइड ऑफ इंडिया बनने का रास्ते पे हैं और उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया कहा भी जाता है। वो किसके लिए जीते हैं, देश के लिए, वतन के लिए। उसमें हमारी इंडियन आर्मी भी आती है जो हर वक्त 24 घंटे हमारे लिए खड़ी है, जिसकी वजह से आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं। देश के सिस्टम में गड़बड़ है, वो लोग सिस्टम से बाहर है, वो सिस्टम से बाहर है, ये सिस्टम जो है ये हमारे बीच रह के काम करता है, ये खराब है, ये करप्ट। और कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन इस सिस्टम को बदलने में लगे हुए हैं। उनमें आप अगर देखा जाए तो जैसे आप मान लीजिए आपके, हमारे एक बहुत ही सभी के आदरणीय हैं, खान सर हैं, ओझा सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, मनीष कश्यप पत्रकार हैं, सोनू सूद एक्टर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं। इस देश के नागरिक को कैसा होना चाहिए उनसे सीखना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए खान सर, अवध ओझा सर, दिव्य कीर्ति सर से सीखना चाहिए, अलख पांडे सर से सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं। आप इनके वीडियोस देखते हैं, आपको परिचित होंगे। खान सर का मोटो देखिए क्या कहते हैं,
कि पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए इस देश में जो पैसे और गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए, ऐसा कोई बच्चा होना नहीं चाहिए। ये उद्देश्य है, ये एक विजन है, हमें और आपको इनसे सीखना है, इनसे समझना है और उसी समझ को विकसित करके हम और आप भी द प्राइड ऑफ इंडिया बन सकते हैं। समय लगेगा, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं आपके साथ हूं, ये देश के बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। और एक बात यहां पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है, इस करप्ट सिस्टम में सभी लोग करप्ट नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जीना मरना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हर दिन रेप, हर दिन क्राइम, हर दिन एक्सीडेंट, हर दिन करप्शन, इन सब चीजों से परेशान हो चुके बहुत से इसमें लोग हैं जो कि उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट न होने की वजह से, कोई बदलाव न होने की वजह से, कोई पीछे खड़ा न होने की वजह से ये भी चुप हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं और उसी करप्शन का ये भी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज मैं सचिन आर्य आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, आपने किसी भर्ती का वैकेंसी का एग्जाम दिया, भर्ती भी निकाली, आपने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, घर से बाहर निकले और उसके बाद पढ़ाई की, लेकिन जाके भर्ती बोर्ड में अटक के रह गए। आप एक साल दो साल बीत गया, भर्ती में नकल हो रहा है, घपला हो रहा है, बहुत सारी चीजें, पेपर लीक हो जा रहा है, अब बताइए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ना उतनी पावर है, ना ताकत है, आप क्या कर सकते हैं? तो करना क्या है, बस मेरा यही निवेदन है कि द प्राइड ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना है। सपोर्ट इस वजह से करना है क्योंकि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज को वहां तक ले जाए जहां तक इसे पहुंचना है। हमारा एक बहुत पुराना बिलीफ होता है कि कोई बहुत ज्यादा पहल करेगा तभी हम उसका सपोर्ट करेंगे। अरे भाई, आज अगर सपोर्ट करते हो तो इस सिस्टम में जब बदलाव होगा तो फायदा आपको मिलेगा। अगर पुलिस ठीक से काम करेगी तो आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर वकील और जज अच्छे से काम करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा, अगर हॉस्पिटल्स अच्छे काम करेंगे तो गरीब हो या लाचार हो, मिडिल क्लास हो, सबको अच्छा इलाज मिलेगा, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आपको और हमको सभी को करना क्या है, करना ये है कि जैसे ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं जिनका मैंने नाम गिना है, उसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक नौकरी करते हैं, आप लड़की हैं, लड़का है, आपको भूलना नहीं है द प्राइड ऑफ इंडिया बनने की सोच डेवलप करनी है। और वो सोच डेवलप कैसी होगी, बस मेरा आप साथ दीजिए, मैं वो कराऊंगा, हर पल हर वक्त आपके साथ हूं। समझ रहे हैं, हम लोगों ने ये उद्देश्य से इस चैनल को बनाया है कि आपके अंदर देश प्रेम, राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति की एक छोटी सी भावना को पनपने मरने नहीं देना है, क्योंकि यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, यही एक ऐसी डोर है जो हम सभी को बांध के जोड़ के रखी है। और उसी के साथ मैं ये बात आखिर में कहना चाहता हूं कि बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, आपको भी हमको भी हर दिन कोई ना कोई समस्या है, और उस समस्या से बचना है, उससे निकलना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी सफल होना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी जो आवाज है, आपका जो आप समाज को देना चाहते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए आप पुलिस हैं, आप चाह के भी करप्ट नहीं होना चाहते हैं, देश में बहुत कुछ योगदान देना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे सिस्टम में रह के काम करना होगा जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, और जब आप जुड़ेंगे तभी ये सिस्टम मजबूत होगा और तभी वो आवाज डीएम पीएम सीएम किसी के तक पहुंच सकती है, वो दर्द दिखाई देगा। अभी यहाँ पे जो सिस्टम है, पब्लिक है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो यहां से लोगों को देखना है तो पहले वो यहां देखेंगे तब यहां देखेंगे, और यहाँ के लोग इतनी मतलब ये सिस्टम इतना गड़बड़ हो चुका है कि इनकी जो रियल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम, वो दिख ही नहीं रही है। उसी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए, उन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए मैं आपके बीच आ रहा हूं, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा आगे आने को तैयार है, लड़ते रहने को तैयार है। आप कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल का हिस्सा बनना है, इस उद्देश्य का, इस विजन का हिस्सा बनना है। बाकी जाते जाते मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मेरे अंदर जितनी ताकत रहेगी या जितनी ताकत है, उतनी ताकत लगा के ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा और हमेशा पहुंचाता रहूंगा। आज की जो वीडियो है, जितनी एनर्जी थी उतनी लगा के आपके पास पहुंचा दी,
आपके हाथों में उतनी ताकत है कि इस वीडियो को, इस मैसेज को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचा सकते हैं, और वो जिम्मेदारी, वो ड्यूटी आपकी है। एक बार के लिए आप बस एक बात को सोचिए कि आपके मोबाइल पे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा आता है, आप हजारों रुपए का, सैकड़ों रुपए का रिचार्ज कराते हैं, आपका डाटा कहाँ खर्च हो रहा है आपको ध्यान देना होगा, किन चीजों पर आप अपना समय दे रहे हैं ध्यान देना होगा, और वही लापरवाहियां नहीं करनी है। देश में बहुत दर्द है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि आज सोशल मीडिया और पूंजीवाद की चकाचौंध ने उसको एकदम धुंधला कर दिया है, उसी चीज को दिखाना है। इसलिए आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं कि मेरे हाथों में जितनी ताकत थी मैंने वो वीडियो आपके तक पहुंचा दी है, अब आपके हाथों में वो ताकत है कि आप जिस वीडियो को हजारों लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, एक और रिवोल्यूशनरी, एक और मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल, एक अच्छे मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।